You're the last one. Complete the mission. Let's go. तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीबू दिखाई देता है जो कि काम वगैरह कर रहा होता है, साथ ही ना चैन एनचैन के बारे में सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं इसके पास एक बंदा आता है। वो कह रहा होता है कि हेलो वैंग जीबू, देखो सुनो, जो डिलीवरी है ना वो सैनजेंग टोंग कंपनी से वो आने वाली होगी। जीबू कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा बाहर की तरफ जाता है, वहीं पर ना हमें हुआंगुई दिख जाती है। वो बंदा कह रहा होता है कि हेलो आपको किस टाइप की कुरियर करवाना है। अब हुआंगुई उसे बता रही होती, कह रही थी कि नहीं मुझे कुरियर वगैरह नहीं करवाना, मैं ना यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। वो बंदा कह रहा होता है किससे मिलना है आपको। अब वो कह रही थी कि मेरे को ना वैंग जीबू से मिलना है। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, खैर हम देखते हैं जीबू ना उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा वैंग जीबू से मिलना है, वो अंदर की तरफ ही है। वैंग जीबू, ब्रदर वैंग, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। अब हुआंगुई हंसते हुए देख रही होती है उसे। जीबू कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या 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 करने आई हो। अब वो कह रही होती है कि अरे हम लोग फ्रेंड नहीं है क्या, तो मैं आ नहीं सकती क्या, वैसे ही मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ। अब वो आगे आराम से चुपचाप बैठ जाती है। जीबू कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। अब हम देखते हैं जो जीबू होता है ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार क्या मेरे को इसे चेस करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्यों आई है, क्या करना चाहिए। अब वो काम वगैरह कर ही रहा होता है अपना और सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये सारी बातें, और सोच रहा होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा, मैंने वैसे भी चैन के साथ प्रॉमिस किया है, छोड़ो इग्नोर करने देते हैं। खैर वो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। अब वो ध्यान से उसे देखता है, वो जैसे ऊपर उठा के उसे देखता है ना, हम देखते हैं जो हुआंगुई होती है वो उसी को घूर रही होती है। अब वो जैसे उसे देखते हैं ना भाई, हम देखते हैं जीबू को तो मतलब बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील करने लगता है। कह रहा होता है कि शिट मैं नहीं कर सकता, मैंने साओ चैन से प्रॉमिस किया है, नहीं 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 इस बार मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। अब वो लिटरली इग्नोर कर रहा होता है उसे। खैर तभी हम देखते हैं डिलीवरी मैन भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि भौंप भौंप जो भी है मतलब हॉर्न वगैरह दे रहा होता है। अब जीबू खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ओ नो ट्रक वाला भी आ गया, चलो मुझे फटाफट डिलीवरी जो है कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब वो उठता है फटाफट जाके कलेक्ट वगैरह करने लगता है। अब हुआंगुई उसी को देख रही होती है बाहर आके। खैर हम देखते हैं वो ना उस मैन से वगैरह बातचीत वगैरह कर रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं उसने बहुत सारे पैसे वगैरह ले लिए होते हैं। अब हुआंगुई बस यही सारी बातें देख रही होती है। मुझे तो लग रहा है कि ये लड़की ना यहाँ पर अब पैसे के लिए आई है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी तुम लोग कमेंट में बताना। खैर हम देखते हैं जीबू उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वो जस्ट इग्नोर करता हुआ अपना फिर से वापस से पहुँच चुका होता है रिसेप्शनिस्ट पे। अब वो जाके फिर एंट्री वगैरह करने लगता है। साथ ही हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि हेलो सर, ब्रदर वैंग, देखो प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्या, मुझे ये लगेज बांधना है यार। अब जो जीबू होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं हुआंगुई कह रही होती है कैसा पैकेज, कौन सा पैकेज है बताओ मैं बांध देती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ये वाला, अच्छा ये वाला, इधर आओ। अब हम देखते हैं भाई जो वो लड़की होती है ना हुआंगुई, वो मतलब पैकिंग वगैरह करने लगती है। अब वो पैकिंग कर रही होती है, जीबू उसे देखता है, कह रहा होता है क्या ये सच में ऐसा कर रही है। अब जीबू यही बातें सोच रहा होता है और सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। कह रहा होता है कि है आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच भाभी। अब वो जैसी भाभी बोलता है ना, हम देखते हैं वो लड़की भी हाँ बोल देती, कह रही थी कि हाँ ठीक है स्वागत है तुम्हारा। अब जैसे जीबू ये बात सुनता है ना, वो तो भैया ब्लस करने लगता है। खैर 3 वगैरह बज रहे होते हैं, अब वो आई एक्चुअली 2 बजे होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो किसी और इंसान उसी इंसान की फिर से हेल्प वगैरह करा रही होती है। साथ ही हम देखते हैं वो और लोगों की भी हेल्प कराने लगती है। अब वो बहुत सारे बंदों की हेल्प वगैरह करा रही होती है, साथ में वो काम वगैरह भी कर रही होती है। देखते देखते हम देखते हैं 4:30 बज चुके होते हैं और उसी के ठीक बाद ना 5 भी बज जाते हैं। अब देखते देखते टाइम वगैरह बीत चुका होता है। जीबू सोच रहा होता है कि क्या मेरे को इसे पूछना चाहिए लंच के बारे में। अब जीबू ये सारी बातें ना बस सोचे जा रहा होता है, उसने मतलब आगे से बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसे कैफेटेरिया में इनवाइट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना हुआंगुई, वो कह रही होती है कि जीबू। अब जीबू उसकी तरफ देखता, कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब वो कह रही होती है कि देखो मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। खैर हम देखते हैं वो जा चुकी होती है। जीबू कह रहा होता है अरे लेकिन रुको, अब वो इतना बोल ही रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो जा चुकी होती है छाता वगैरह लेके। अब जीबू उसे देख ही रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना हुआंगुई, वो फिर से आ जाती है। अब वो जैसी आती है भाई, जीबू फिर से देख रहा होता है उसे। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं ये लड़की क्या करने आ गई फिर से। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह भाभी फिर से आ गई, वाह थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो लड़की जो हुआंगुई होती है ना, वो जीबू की साइड देख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं बेचारा जीबू यहाँ पर निराश हो रहा होता है उससे। अब निराश वगैरह होने के बाद खैर हम देखते हैं डे मतलब समाप्त हो जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो फिर से आ जाती है हेल्प वगैरह कराने के लिए। ऐसे चले जा रहा होता है, मतलब वो हर बार आ रही होती है हेल्प करने के लिए। खैर वह टेंशन पाना चाहती है और कुछ नहीं, अगर तुम लोग के साथ भी ऐसा हो तो भाई बिल्कुल ही भाव मत देना, ठीक है, क्योंकि भाई 3-4 बार भाव देने के बाद दोबारा भाव कौन देगा। खैर लेकिन हम देखते हैं जीबू इतना भी मतलब कठोर नहीं होता, वो उसके लिए लंच वगैरह लेकर आया होता है। अब वो लागे उसे देखते खाना पीना देता है, वो देखते कह रही होती कि हैं ये क्या है। खैर जीबू कह रहा होता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। अब वो जो हुआंगुई है ना, वो देखती है और थैंक्स वगैरह बोलने लगती है। खैर जैसी वो थैंक्स की बोल रही होती है ना, जीबू उसे देख के बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है, उससे तो कुछ बोल ही नहीं जा रहा होता बिल्कुल भी। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते जीबू ने कॉल मिलाया होता है।
अब फोन वगैरह लग नहीं रहा होता क्योंकि भाई जो नंबर है ना वो स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब जीबू ने ना चैन हैंजेंग को कॉल लगाया होता है। खैर वो देख रहा होता है, क्या सोच रहा होता है कि यार 12 बज चुके हैं, उस गधे को तो जग जाना चाहिए और अब वो अभी तक नहीं जागा। अब जीबू यही सारी बातें सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं उसने दोबारा कॉल लगा दिया होता है। अब वो जैसी कॉल लगाता है ना, जी वाला नंबर है मतलब इस टाइम ना कॉल लग जाता है। अब चैन कह रहा होता है कि हे चिकन नेग, क्या चाहते हो तुम मेरे से? अब वो ये बात बोलता है। अब जीबू को ये बात सुनते ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम सीरियस नहीं हो सकते? मेरी कौन सी मुंडी लटक रही है बताना जरा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं चैन कह रहा होता है, अरे नहीं मैंने बस रूमर सुने थे, सब लोग तुम्हें इसी नाम से चिढ़ाते हैं ना। अब चैन बता रहा होता है कि यार मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अब जीबू कह रहा होता है क्या तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो? अब चैन बता रहा होता है कि देखो मेरे को ना डिलीवरी से रिलेटेड कुछ काम है तो मैं बिग बॉस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। जीबू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, क्या मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? अब जीबू मतलब क्वेश्चन वगैरह करने के लिए उसने कॉल लगाया होता है चैन को। चैन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। जीबू कह रहा होता है क्या बकवास कर रहा है भाई, तू चुप हो जाना थोड़ी देर के लिए, मेरी बात तो सुन। खैर वो अपनी बात बता रहा होता है। कह रहा होता है कि देखो अब तुम ऑलरेडी उस सिटी में हो तो फिर मैं किससे मतलब किसकी बात मानूंगा? चैन कह रहा होता है कि उसकी बात मानना नहीं, की बात मानना नहीं तो जो तुम्हारे करीब है उसकी बात मानना, ठीक है? अब चैन ये बात बता रहा होता है। कह रहा होता है कि मेजर और छोटे मोटे डिसीजन उनके बारे में बताना, ठीक है? चैन कह रहा होता है कि सॉरी जीबू कह रहा होता है क्या कहा, आखिर मैं किससे सुनूँ और मेरे क्लोज है कौन? चैन बता रहा होता है कि देखो साइयो या फिर सैन किसी से ही पूछ सकते हो तुम। अब वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चैन कह रहा था कि अरे कुछ नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं है, तो चिंता मत कर, तुझे जो भी डिसीजन वगैरह लेना है तो उनसे बात कर सकता है। अब हम देखते हैं वो और भी बातें बता रहा होता है। साथी जी वो कह रहा होता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। चैन कह रहा होता है कि हाँ मैं तो हमेशा से ओपन माइंडेड था, वैसे भी तुझे कुछ काम नहीं है तो फिर मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ठीक है? अब फोन वगैरह कट हो चुका होता है। जीबू फिर से उदास दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि शिट कोई फ़ायदा नहीं हुआ ऐसे कॉल करने से। खैर तभी हमें दिखाई देता है वो जो लड़की होती है ना हुआंगी, वो साइड से झाँक रही होती है, मतलब झाँकते हुए देख रही होती है जीबू को। जीबू देखता है ओ नो ये क्या हो रहा है। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई जानवर ना मेरे को हंटिंग करने के लिए देखे जा रहा है या घूरे जा रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि चैन हैंजेंग एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर ना वो एक बंदे से पूछ रहा होता है कि मास्टर क्या आप सैन टाउ जाओगे? अब वो पैसे वगैरह के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं चैन चुपचाप उसकी कार में आके बैठ जाता है। अब बैठने के बाद हम देखते हैं उसने एक डायरी वगैरह निकाल ली होती है, अब फ़ोन भी निकाल लिया होता है, उसके अंदर एड्रेस वगैरह होता है। साथ ही हम देखते हैं वो एक रोड पे होता है जो कि मतलब रोड देखो जरा कैसी लग रही है, अच्छी है जो भी है जैसी भी है। खैर इसी के साथ चैन ने फिर से कॉल लगाई होती है। अब वो जीकोंग को कॉल लगाता है, मतलब कोंग जी को कॉल लगाता है। कोंग जी कह रही थी कि हे अब कैसा वेदर चल रहा है जैनी के अंदर बताना जरा, वैसे मैंने सुना न्यूज़पेपर के अंदर मतलब न्यूज़ के अंदर कि जो जेएनई का मौसम है वो ख़राब हो रखा है। चैन कह रहा होता है कि नहीं नहीं मौसम जो स्नो है ना वो अब रुक चुकी है, अब स्नो वगैरह नहीं हो रही है, सूरज वगैरह बाहर आ चुके हैं। अब चैन ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं कोंगजी सोच रही होती है क्या कहा, इतनी जल्दी नॉर्मल इतना ठीक कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। खैर चैन कह रहा होता है कि सिस्टर कोंग सुनो मेरे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, देखो अब स्नो वगैरह नहीं आ रही है लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो सोनटांग जो ग्रुप है ना वो लोग हमारे पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके हेडक्वार्टर मिलने के लिए आया हूँ। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, कोंग जी उसकी बात सुनकर ना बहुत ज़्यादा सॉकड हो जाती है। वो कह रही थी कि हे आखिर तुम क्यों जा रहे हो, तुम दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते? चैन कह रहा होता है क्यों नहीं पहुँच सकता, वैसे भी मेरे दिल के करीब है ना वो रास्ता, वैसे मैं बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ। वो बंदी कह रही होती है कि यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं सीरियस बात कर रही हूँ तुमसे, ठीक है तुम सीरियस बात नहीं कर सकते क्या मेरे से? अब हम देखते हैं ये लोग दबा के बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं और एड्रेस वगैरह मांग रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं चैन हैंजेंग ना कार वगैरह में मत होता है और वो जा रहा होता है। खैर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद हम देखते हैं फोन वगैरह कट हो चुका होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चैन ना उस ड्राइवर से कह रहा होता है, क्योंकि कार ना बहुत स्लो चल रही होती है। चैन कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप थोड़ा तेज गाड़ी चला सकते हो, मेरी वाइफ ना किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उसका, तो मुझे उसे पकड़ना है, ठीक है आप प्लीज़ थोड़ा तेज़ चला सकते हो कार? अब हम देखते हैं भाई वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं भी चार गाड़ी तेज़ चलाता हूँ। अब वो बंदा डालता है अब गाड़ी को पांचवें गियर पे और ले भैया गाड़ी इतनी तेज़ी से भगाता है ना कि थोड़ी देर के बाद ही चैन हैंजेंग उसके घर के पास पहुँच चुका होता है। अब चैन हैंजेंग ने मतलब कोट वगैरह उतार दिया होता है, वो देख रहा होता है उसकी तरफ, और देखने के बाद वो जैसे देखता है ना कह रहा था कि हैं यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है। खैर वहीं पर एक बंदा और दिखाई देता है। अब हम देखते हैं भाई दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब वो बंदा ना इसकी तरफ देखता है चैन की तरफ और पूछ रहा होता है कि हे क्या तुम भी ब्लाइंड डेट के लिए आए हो यहाँ पर? अब चैन से वो ये बात पूछ रहा होता है। चैन कह रहा होता है क्या ब्लाइंड डेट, हाँ हाँ सही बोला तुमने, हाँ सही बोला मैं भी वही हूँ। अभी बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मैच मेकर पे उन्होंने बोला था कि वुमेन ना काफ़ी सुंदर है लेकिन इस वुमेन ने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है, कितनी एरोगेंट है यार। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही ना क्योंकि इसने अभी तक एक राइट इंसान नहीं ढूंढा, वैसे मैं तुझे एक ट्रिक सिखाता हूँ देख। अब वो जाता है दरवाज़ा खोलता है, कह रहा होता है कि हेलो दरवाज़ा खोलो वुमेन मैं आऊँ तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अब चैन हैंजेंग की फालतू की बकवास करे जा रहा होता है। खैर वो बंदा उसे बता रहा होता है, चैन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देख अब देख कैसे दरवाज़ा खुलता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है। अब जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है ना हम देखते हैं जो उसकी मम्मी होते हैं ना कोंगजी की, वो देखते कह रहे थे कि हैं क्या तुम लोग तुम दोनों? अब वो देखती कि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। अब वो हेलो बोलती है, चैन भी हेलो आंटी बोलता है। अब वो ये बात बोलता हुआ अंदर आ चुका होता है।
अब जो आंटी होती है ना, वो दूसरे बंदे से पूछ रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो तुम मैच मेकर वाले हो ना जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया। वो बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ मैं ही हूँ वो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैच मेकर जोंग ने। अब वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना कोंगजी, वो आती है और कह रही होती है कि आप लोग ना आके बैठ सकते हो और ये लो चाय पी लो। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं चैन उसकी तरफ देखता है। अब वो भी देखती है, कह रही थी कि हैं ये यहाँ पर। अब वो देख के बहुत ज़्यादा सौगड़ी जाती है कि यहाँ पर चैन एनचैन क्या कर रहा है। वो कह रही थी, कह रही यहाँ पर तुम कैसे। अब वो ये बात बोल सोच के ना बहुत ज़्यादा सौगड़ हो जाती है। चैन कह रहा था कुछ भी नहीं मैं यहाँ पर, अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल लाइब्रेरी में सो रहा था ना, मैं यहाँ पर कैसे। अब चैन एनचैन मतलब फिर से एक्टिंग करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ यार, मैं तभी सोच रहा था जो सिस्टर कोंगजी है ना वो तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरे सामने दिखाई दे रही हैं। एक मिनट, क्या मैं ये सच है, क्या मैं इन्हें टच करके देखूँ, कहीं ये सच तो नहीं है, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं एक बार टच करता हूँ। अब चैन एनचैन उसे टच वगैरह कर रहा होता है। वो बंदा दिखता कह रहा होता है कि हैं ये क्या हो रहा है, सुनो मुझे थोड़ा काम है मैं जा रहा हूँ। अब वो बंदा जाने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देखते हैं, सॉरी उसकी मम्मी देखती, कह रही होती कि अरे तुम यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हो। अब कोंगजी बता रही होती कि नहीं नहीं ये मेरा कलीग है, कंपनी से आया है यहाँ पर। अब जो उसकी बेटी होती है वो ये बात बता रही होती है। खैर आंटी कह रही होती कि अच्छा ठीक है फिर तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे नाश्ता पानी बनाने। अब हम देखते हैं चैन हैंचक देख रहा होता है, कह रहा था कि हैं ये क्या हो रहा है, एक मिनट तुम दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आंटी को अभी तक नहीं पता कि आपने सैनजेंग टोंग से रिजाइन कर दिया है ना। अब चैन ये बात बोलता है कोंगजी का, कोंगजी कह रही होती कि हाँ मेरी मतलब हिम्मत नहीं हुई सच बोलने के लिए क्योंकि यार वो इतनी बूढ़ी हैं दिक्कत हो जाएगी। अब वो ये बात बोल रही होती है। चैन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा ये। खैर तभी हम देखते चैन एंड चैन ना आंटी के पास जा रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी सुनो मुझे आपसे एक कंप्लेन करनी है। तभी हम देखते कोंगजी कह रही थी कि हे क्या कर रही हो तुम, रुको जरा। अब चैन कह रहा होता है कि आंटी देखो मैनेजर कॉन्ग है ना उनका जो छुट्टी है जो वैकेशन वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है तो हमें थोड़ा काम वगैरह है, मैं इसीलिए उन्हें लेने के लिए आया हूँ। अब चैन ये बात बोलता है। अब कॉन्ग जी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा सौगड़ हो जाती है, कह रही थी कि ओ थैंक गॉड बच गई। अब उसकी मम्मी कह रही थी कि अरे तुम इतनी जल्दी जा रही हो, अभी तो 5 ही बज रहे हैं ना। अरे नहीं वहाँ पर एक बंदा मिला हुआ है ना वो थोड़ा चला जाएगा इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना होगा। खैर तभी हम देखते हैं इनसे प्रतार में दिखाई दे रहा होता है ये लोग कार में होते हैं। अब चैन पूछ रहा होता है कि तो बताओ जो ब्लाइंड डेट है क्या वो सच में डरावनी थी क्या। अब कोंगजी बता रही थी कि फर्स्ट टाइम मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बट क्या करूँ मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, वैसे भी अच्छा है चलो मैं जेने जा रही हूँ, बाकी मेरे को वहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढनी पड़ेगी तो बता रहा हूँ रॉकेट बंजीरो बन गया तो मुझे क्या पोस्ट देने वाले हो। चैन कह रहा होता है कि पोस्ट हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा चिंता मत करो, एक मिनट मुझे डाउट हो रहा है तुम्हारे पर तुम मान कैसे गई। अब चैन ये बात पूछ रहा होता है उससे, वो कह रही थी कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यार, देखो मुझे जॉब की जरूरत होगी यार मैं इतनी टाइम से मतलब अब अकेली थोड़ी ना रह सकती हूँ। अब वो सारा मामला उसे समझाती है, कह रही थी रॉकेट बंजर बन के ना सही रहेगा मेरा काम करना। चैन कह रहा था कि हाँ हाँ आप तो बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हो, वैसे थैंक यू सो मच आप हमारी कंपनी में इन्वाइट मतलब ज्वाइन हो रही हो तो अच्छी बात है हमारे लिए। अब चैन ये बात बोलता है वो खुश हो रहा होता है, वो कह रही होती कि ठीक है बकवास करना बंद करो लाओ मेरे को चाबी दो मेरे घर की। चैन कह रहा था कि चाबी हाँ ये लो ना ये रही। अब वो चाबी वगैरह दे रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बाय द वे सिस्टर जिंग वैसे मेरे को पूछना है कि आपके घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं आपने बताओ, क्या वो सुंदर है और आपने उसे कहाँ से खरीदा। अब चैन ये बात पूछ रहा होता है फालतू की बातें पूछ रहा होता है। कोंगजी कह रही थी क्या तुम्हें पौधे से क्या लेना देना है, वैसे भी बकवास करना बंद करो ठीक है, वैसे कुछ पौधे ना मर चुके होंगे मुझे पक्का पता है। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट उधर में दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग एयरपोर्ट से होते हुए मतलब घर पे आ चुके होते हैं। अब घर वगैरह आ चुका होता है इनका, वो कह रही होती है कि ठीक है फिर अब तुम जा सकते हो ठीक है तुम हॉस्टल जाओ मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ। लेकिन हम देखते चैन कह रहा होता है कि क्या मैं हॉस्टल, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो आपको नहीं पता क्या मैं यहाँ पर आया हूँ मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं यहीं पर ही रुक के मतलब रुकने वाला हूँ। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, वो कह रही थी क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो। चैन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या मुझे कहीं नहीं जाना। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ऊपर मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ पता है कितना टाइम से नहीं सोया। कोंगजी कह रही होती कि हे रुको कहाँ जा रहे हो तुम कहीं नहीं जाना। अब वो जाने से मना कर रही होती है। खैर वो कह रही होती कि देखो अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे या तो अपने हॉस्टल चले जाओ या फिर यहीं पे आसपास तुम कोई होटल वगैरह देख लो। अब वो होटल देखने की बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते चैन एनचैन भागता हुआ उसके रूम में जाने लगता है मतलब उसके घर की तरफ जाने लगता है। खैर वो घर जा रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो जल्दी आओ सिस्टर जेंग टाइम वेस्ट मत करो ठीक है मैं और देर तक वेट नहीं कर सकता। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। अब वो उसकी मतलब उसकी बातें सुन रही होती है और जा रही होती है। खैर तभी चैन एनचैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर जेंग जल्दी आओ दरवाज़ा खोलो मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं। अब वो ये बात बोल रहा था पता नहीं किस बारे में। खैर हम देखते हैं वो ये बात सुन के ना थोड़ा ब्लस वगैरह कर रही होती, कह रही होती कि हैं एक मिनट आखिर तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो बताना जरा। अब कोंगजी ये बात बोल रही होती है। खैर चैन उसे बता रहा होता, कह रहा होता कि मेरे कपड़े अरे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुकी है इसीलिए ऐसा ही है ना। अब चैन हनचंग ये बात बोले जा रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती कि हे क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते क्या, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए ठीक है और तुम अपनी चेस्ट वगैरह क्यों दिखा रहे हो। चैन कह रहा था कि चेस्ट वगैरह कुछ नहीं मेरे टीचर ने बोला था दिखाने के लिए इसीलिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं। अब चैन एनचैंग ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं लाइट वगैरह चालू होती है। अब लाइट वगैरह चालू होने के बाद चैन एनचैंग आता है रूम के अंदर।
अब वो रूम के अंदर भाग जाता है। अब कोंग जी की सोच रही होती कि हैं कि फटाफट रूम के अंदर क्यों चला गया, क्या हुआ इसे, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है इसके अंदर। अब कोंग जी यही बात सोचे जा रही होती है और सोच रही होती कि मुझे ना कुछ भी करके इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, फालतू तो मेरे घर में आ गया। लेकिन हम देखते चैन चंग आता है। अब उसका सारा मतलब जो भी लॉकर वगैरह होता है सब कुछ चेक कर रहा होता है, उसके कपड़े वगैरह जहाँ रखे होते हैं, अलमीरा वगैरह सब कुछ चेक कर रहा होता है। क्या होता है कि सिस्टर कोंग जरा ध्यान से देखो, आपने जो जो पहनती हो ना, मुझे ना ये सारी ड्रेस वगैरह परचेस करनी है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अब चैन चंग ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो बेड के नीचे जाता है तो कभी कहीं जाता है। अब हर चीज़ें एक एक करके चेक कर रहा होता है पता नहीं क्यों। खैर वो आता है किचन वगैरह चेक कर रहा होता है और सारी बाथरूम वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद वो आता है, क्या रहता है कि सिस्टर जोंग आपको नहीं पता क्या, साल ख़त्म होने वाला है और लोगों के पास पैसे वगैरह हैं नहीं, तो मुझे पक्का पता है सब लोग ना चोरी वगैरह करेंगे, जो पड़ोसी होते हैं वो यही करते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साथ ही ना आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा, आजकल ये सब चीज़ें ना होम टाउन नहीं, आप वैसी होम टाउन से आई हो ठीक है, तो बड़ी सिटी के अंदर ना होम टाउन नहीं होता बिल्कुल भी, समझे आप। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, क्या रहता है कि जो नेबर होते हैं वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं, फलाने में कहना बता रहा होता है, क्या रहता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह आती हैं। कोंग जी कह रही होती है कि हे आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। अब वो डर जाती है ये बात सुन के। अब चैन कह रहा था कि हे मैं जा रहा हूँ ठीक है, चिंता मत करो। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है, कह रहा होता है कि बाय द वे सिस्टर जिंग मैं ना दो तीन लोगों को और लेकर आऊँगा शंघाई कल। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वो कह रही थी क्या कलीग को लेकर आने वाले हो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं चैन एन चंग जा चुका होता है। अब कोंग जी बेचारी अकेली बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं चैन एन चंग को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद आने वाली है, वैसे तो उतना हैंडसम है भी नहीं। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ जो एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं लेको नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ ऐसी वीडियो खतरनाक आती रहेंगी तो फटाफट चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार दो ठीक है, जाने से पहले लाइक कर दे। Enemies ahead!